नमस्कार साथियों, मैं रामबाबू पटेल तेल से आज आपको राग मालकोस बताने जा रहा हूँ। राग मालकोस से कहते हैं कि पत्थर तक पिघल जाता है और ये भगवान शंकर का बहुत ही पसंद का राग है। और राग मालकोस एक पुरुष राग के अंतर्गत आता है। राग मालकोस ये थाट भैरवी से उत्पन्न राग है और थाट भैरवी में रे और गा और धा और नी ये चार स्वर कोमल होते हैं। राग मालकोस में रे और पा वर्जित होता है। दोनों स्वर वर्जित होने के बाद जो स्केल इसका बनता है स ग म ध नी सा, यानी सा और दो स्वर छोड़कर कोमल गा, एक स्वर छोड़कर मा, दो स्वर छोड़कर कोमल धा, एक स्वर छोड़ के कोमल नी और एक स्वर छोड़ के तार सप्तक का सा। आप किसी भी स्केल से इसको बना सकते हैं तो आपका मालकोस का स्केल बन जाएगा। इसकी जाति औड़व औड़व है। औड़व औड़व इसलिए क्योंकि इसमें जाते समय भी ये पांच स्वर लगते हैं आरोह में, स ग म ध नी सा स नी ध म ग म ग सा। मैंने तो इसकी ये पकड़ बोल दी, बाकी स ग म ध नी सा नी ध म ग सा। जाते समय भी पांच स्वर और लौटते समय भी पांच स्वर। ये तार सप्तक का सा चूंकि साजे भी है इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, इसको काउंट कर लूंगा तो छह स्वर हो जाएंगे। तो जाति इसकी औड़व औड़व है, पांच स्वर आरोह में और पांच स्वर अवरोह में। गायन समय जो इसका है ये रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का है। और न्यास के स्वर जो है यानी जहां हम ठहरते हैं, जहां हम रुकते हैं, वो है स कोमल गा और मा। इसकी जो पकड़ है यानी पकड़ यानी जिससे राग पकड़ में आने लगता है, इस जिन स्वरों को सुनकर हमको राग पकड़ में आ जाए, राग समझ में आ जाए, वो होती है पकड़। धनी सामा धा कोमल मंद सप्तक का देख नीचे बिंदु लगी है, नी कोमल मंद सप्तक का नीचे बिंदी लगी है, सामा धनी सामा ग म ग सा। बस इतना सुनते से ही राग मालकोस झलक जाता है। इसका वादी स्वर मा है। वादी माने उस राग का राजा और संवादी सा है यानी राजा का मंत्री। यानी वादी का प्रयोग ज्यादा है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और उससे थोड़ा कम जोर दिया जाएगा सा पर, बाकी इसकी सेना है। सार रूप में कहूं तो वादी और संवादी यानी इन दोनों के बीच में वाद संवाद होता है। राजा बोलेगा मंत्री जवाब देगा, मंत्री बोलेगा राजा जवाब देगा। समा सा मा। और इसके अनुवादी स्वर जो हैं, क्योंकि ये राजा हो गया ये मंत्री हो गया, अनुवादी माने अब राजा की सेना, कोमल गा कोमल धा नी ग ध नी, ये अनुवादी स्वर हो गए। वर्जित स्वर कोमल रे और पा, ये दोनों स्वर वर्जित रहेंगे। वर्जित यानी इनका राग में प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहले आप सा लगाइए क्योंकि राग मालकोस भैरवी थाट से उत्पन्न होता है, तो आप भैरवी थाट को एक बार देख लीजिए। और मंद सप्तक में नी ध प मा। बस हम वैसे दो स्वर नीचे जाएंगे नी ध, और मंद सप्तक के नीचे हम बिंदी लगा देते हैं क्योंकि ये भी था नी धा, तो ये भी नीधा है लेकिन ये मंद सप्तक का नीधा है, ये मध्य सप्तक का नीधा है। तो हमारा ये मध्य सप्तक यहां तक कंप्लीट हो जाता है और तार सप्तक यहां और मंद सप्तक यहां, लेकिन मंद सप्तक में केवल हमको दो स्वर जाना है, धानी सामा धानी सामा गामा गासा। इसका आरोह अवरोह करते हैं तो आपको मालकोस झलक जाएगा। इसका आरोह नी से शुरू होता है, नी सा नी सा गामा धानी सा नी धामा गासा। सा गा दो स्वर छोड़ के कोमल गा,
एक स्वर छोड़कर मा पाइस में वर्जित है, रेस में ये वर्जित था, पाइस में वर्जित है। सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा, गा मा गा सा, गा मा गा सा, नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा गा मा गा सा। आप किसी भी स्केल से मालकोस को बना सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गीत इसमें हैं और भगवान शंकर की वंदना इस राग में की जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं ये तार सप्तक वाले गा में चला गया था। ये देखिए धानी सा गा, ये वाले गा में चला गया, गा सा नी धा मा गा मा गा सा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गामा गासा, गामा गासा करिए, गामा गासा, सानी धा सानी धा नी सा, गामा धा नी सा। बहुत ही मधुर राग। मन तड़पत हरे डर सन को आज, मात्र पांच स्वर लग रहा है इसमें, सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा, सा गा मा धा नी, और ये तार सप्तक का ये सा आ गया। मन तड़पत हरे दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगरे सब रे काज, ओ बिनती करत मोरी रखियो लाज, मन तड़पत हरे दर्शन को आज, गुरु बिन ज्ञान गामा धानी सा, गामा धानी सा, गामा धानी सा, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजे ज्ञान हरि गुण गाऊं, और सब गुनियन पर तुम रो राज, मन तड़पत हरे दर्शन को आज, सुर से जन को प्यार नहीं है, वो मुंह रख इंसान नहीं। तो देख रहे हैं आप, केवल पांच स्वर, सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा मा गा सा, धा नी सा मा गा सा, नी सा गा मा धा नी सा। तार सप्तक में सा गा मा धा सा नी धा मा गा सा। आप किसी अन्य स्केल से भी इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको इससे बजाऊं, तरीका वही का वही रहेगा। देखिए, दो स्वर छोड़कर अगर मैं इसको अपना सा बना रहा हूं, किसी भी स्वर को आप अपना सा बनाकर मालकोस बजा सकते हैं। तरीका बस वही है। देखिए यहां पर सा, अगर मैंने सा इसको बनाया तो दो स्वर छोड़कर ये कोमल गा है। यहां देखिए स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, सा गा, सा गा,
और एक स्वर छोड़ के माँ है, ये देखिए एक स्वर का सा गा मा, फिर दो स्वर छोड़कर कोमल धा धा, और एक स्वर छोड़ के कोमल ली, और एक स्वर छोड़ के तार सप्तक का सा, और ये देखिए ये स्केल कंप्लीट हो गया। ये देखिए दोनों स्वरों में संवाद हो रहा है और ये इसके मंद सब तक के भाव और नी है। ओ बिनती करत मोरी रखियो लाज, मन तड़प रही को आज। यही मां से शुरू हो रहा है, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, राग है ये। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, आपका स्वर सा ये है, ये आपका सा है, और आप पूरी काली बटनों में घूम लीजिए, मगर आप सा आपको इसी को निर्धारित करके गाना है, तो पूरे मालकोस के सारे स्वर यही काले काले पट्टी हैं। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, दीजे ज्ञान हरि गुण गाऊं, सब गुण अनों पर तुम्हारो राज। ये देखिए मां पे आ गए, क्योंकि ये बादी स्वर है। सब गुण पर तुम्हारो राज, मन तड़प को आज, सुर से जिन को प्यार नहीं है, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुस्कात जात एक छवि नार कर के सिंगार, ये मां स्वरों में संवाद हो रहा है। अब मालकोस के स्वर कहीं से भी इसको बजाएं, अगर मान लो मैं इसको यहां से बनाऊं इसका, तो ये सा हो गया, दो स्वर छोड़कर गा हो गया, सा गा मा नी सा सा नी धा, बस आप देखें इतने स्वरों का अंतर रखें और आपका मालकोस बन जाएगा। सा गा, दो स्वर छोड़ के कोमल गा माँ, एक स्वर छोड़ के माँ, और दो स्वर छोड़ के कोमल धा, और एक स्वर छोड़ के कोमल ली, और सा तार सप्तक का सा, एक स्वर छोड़ के सा नी धा मा गा मा गा सा। Thank you.
जो स्केल आपको उचित लगता है, अगर मैं इसको यहां से बजाऊं इसको, किसी भी स्केल से आप इन पांच स्वरों में घूमिए। आप मंद सप्तक में भी जाइए, तार सप्तक में भी जाइए, मंद सप्तक में दो तीन स्वर नीचे उतर जाइए, तार सप्तक पूरा कवर कर लीजिए और फिर देखिए भैरवी स्केल का कमाल। जैसे मैंने अभी तीसरे काले पर अपनी उंगली रखकर बैठा हूं, यानी एफ नीचे कर दूं तो नीसा, ये मंद सप्तक का नहीं है, धा नीसा मा, तो बहुत ही मधुर राग है। आप इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए और मालकोस को समझिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार साथियों।